इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला वहाँ के एक वकील मोतीलाल यादव ने दाखिल किया है जिसमें उनका ये कहना उन्होंने बड़े वाजिब सवाल उठाए हैं जस्टिस राजेश सिंह चौहान इनकी अदालत में ये मामला आया है और उस मामले में वकील मोतीलाल यादव उन्होंने मुद्दा उठाया है कि इन गुटखा का विज्ञापन करने वाले हीरो हीरोइन यानी अभिनेता उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए उनका ये कहना है कि उनसे जवाब क्यों नहीं मांगा जाता और ऐसे लोगों को पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है याचिका में जनहित याचिका में बाकायदा नाम लिखे गए हैं जिसमें अमिताभ बच्चन साथ ही शाहरुख खान अक्षय कुमार ऐसे बहुत सारे नामों की फहरिस्त हैं जो लोग इन गुटका यानी इन कंपनियों के तंबाकू उत्पाद का प्रचार करते हैं विज्ञापन करते हैं ऐसे जैसे वो कोई टॉनिक हो अगर वो नहीं खाया जाए नहीं चबाया जाए तो शायद दांत ख़राब हो जाएंगे दांतों को मजबूती देने वाला टॉनिक है इस पर याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये कहा है कि वो इस मामले में कार्रवाई करे और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करके इन जिन्हें पक्षकार बनाया गया है केंद्र सरकार राज्य सरकार इसके साथ ही आई मिनिस्ट्री और अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनका ये कहना है कि ऐसे लोगों को पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है जिसकी क्या वजह है उन्होंने उन्नीस के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला भी दिया है जिसमें यह कहा गया था कि इस तरह के पद्म पुरस्कार देते समय डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए सरकारों को किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए उस गाइडलाइन का भी हवाला दिया गया है इसमें यह कहा गया है कि एक और हम इनको आइडियल मानते हैं समाज का अगवा मानते हैं इनको एक प्रेरणा स्रोत मानते हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं गुटखा का प्रचार कर रहे हैं ऐसी चीज़ जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है जिसमें गुटखा का नाम और उसकी खूबियाँ तो बहुत बड़े बड़े हरफों में लिखी जाती हैं लेकिन सबसे ज़्यादा सेहत पर उनका नुकसान पुड़िया पर बहुत छोटे अक्षरों में लिखा जाता है हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने फैसले के ज़रिए कहा था सिगरेट और तम्बाकू उत्पादों पर बड़े बड़े चित्र लगाए जाएँ जिसमें बताया जाए कि कैंसर किस तरह से आपका नुकसान कर सकता है लेकिन वो चित्र वो वैधानिक चेतावनियाँ वैधानिक चेतावनी के लिए भी लिखा गया था बड़े हरफों में लिखे जाएं बड़े अक्षरों में बिग लेटर्स में लिखे जाएं ताकि वो लोगों की नज़रों में आएँ और लोग उसके नुकसान को ज़्यादा देखें लेकिन जिस तरह के विज्ञापन किए जाते हैं ऐसे ही नहीं मैं भारत कहता हूँ ऐसे ही नहीं मैं ये ये या वो बन जाता हूँ उसके लिए कितनी मुश्किलें और मेहनत पड़ती हैं लेकिन ये विज्ञापन में नहीं बताया जाता कि इससे कितनी मुश्किल होती है कई जगह एहतियात के तौर पर कंपनियां बताती भी हैं तो इतनी तेज़ी में बताती हैं कि विज्ञापन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है लिए आ जाए अपने उन देश को देश का परखें। तो इस तरह की चीज़ें जो लोगों को समझ में कम आती हैं लोग कन्फ्यूज़ ज़्यादा होते हैं लेकिन जब गुटके के पैकेट पर या कहें तंबाकू वाले गुटखा के पैकेट पर पान मसाला पर या तंबाकू उत्पाद पर बीड़ी सिगरेट इन पर बड़े बड़े हरफों में लिखा भी रहता है वैधानिक चेतावनी तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या कैंसर का कारक बन सकता है इसके साथ ही तस्वीरें लगाई जाती हैं ऐसी विभत्स तस्वीरें जिनको देखने के बाद आदमी को खुद ही विकृति हो जाए आदमी को खुद ही ऐसा लगे कि अब इसको तो छोड़ देना चाहिए लेकिन इसके बावजूद लोग ऐसा करते हैं कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस राजेश सिंह चौहान उन्होंने नोटिस जारी किया है कंपनियों से जवाब मांगा है अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो कंपनियाँ और इस बारे में क्या जवाब देती हैं कैसे अपने एक्ट को अपने करतूतों को या अपने कारगुजारियों को तर्कपूर्ण ढंग से साबित करना चाहते हैं और वो क्या बताती हैं कि इतने बड़े बड़े पद्म पुरस्कारों से अलंकृत जिन्हें हम प्रेरणा स्रोत मानते हैं उन अभिनेताओं को इन्होंने हायर क्यों किया है और उसके पीछे उनका मकसद क्या है बहुत सारी चीज़ों पर से खुलासा होगा अगली सुनवाई होने तो दीजिए संजय कैमरा में अश्विनी हेलन के साथ संजय शर्मा दिल्ली आज तक